हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साल 2021 का पहला सेल आ चुका है। फ्लिपकार्ट की तरफ से रियलमी डे सेल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें बहुत सारे फ़ोन आपको ऑफर में मिले हैं, कुछ फ़ोन आपको ऑफर में नहीं मिल रहे, मतलब कि ऐसी सेल में दे दिया गया है। तो प्लीज़ आप गलती मत कीजिएगा, कौन सा फ़ोन में बेस्ट डील है, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन नहीं लेना चाहिए, कौन पे अच्छा आपको ऑफर देखने को मिल रहा है, वो सब आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मगर उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इसी तरह की बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस के लिए। तो दोस्तों, रियलमी की तरफ से जो ये सेल है वो सिर्फ रियलमी के फ़ोन के लिए ही है, और ये फ्लिपकार्ट पे स्टार्ट हो चुका है। ये 5 जनवरी से लेकर आपको ये 9 जनवरी तक चलेगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और चल के वहाँ बताते हैं कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे देखिए रियलमी डे सेल का बैनर आपको दिख रहा होगा फ्रंट पे। ये फ्लिपकार्ट पे पेज इसका है, और ये सेल आपको 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच में चलेगा, और इसमें कोई भी बैंक ऑफर देखने को नहीं मिल रहा है। ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी मुझे ये चीज़, पर देखते हैं। सबसे पहला जो डील है वो है Realme 6 का, आपको 6 GB वाला बैटरी मिल रहा है मात्र आपको 13,000 रुपये में। तो ये आपका पहला सेल भी मिल रहा था, मगर इसके अंदर में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि देखिए अभी सेल में अगर आपको लेना तो ले सकते हैं 6 GB वाला वेरियंट, कोई 6 GB वाला वेरियंट इतना पावरफुल नहीं मिला है। फिर भी अगर इसमें कार्ड का ऑफर नहीं है तो आपको ये सस्ता नहीं पड़ेगा। इससे जो पहला जो सेल था फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज वाला सेल में, उसमें भी आपको कार्ड पे लगाने के बाद ये साफ ही सस्ता पड़ा था, पर ऐसे भी उसमें प्राइस जो बिना कार्ड के 13,000 रुपये थी। तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नॉर्मल ठीक ठाक सा बजट गेमिंग फ़ोन है, आप ले सकते हैं इस प्राइस रेंज में 6 GB वाला वेरिएंट। दूसरा यहाँ पे Realme 6 Pro है, जो मिला है 16,000 रुपये में, 720G वाला प्रोसेसर इसमें है, तो काफ़ी ये ओल्ड हो चुका है और मतलब कि पुराना हो चुका है, तो इस प्राइस रेंज में नहीं ठीक है, और इस प्राइस में फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। दूसरा फ़ोन यहाँ पे है आपका है वो है Realme C12 है, जो आपको मात्र मिला है 8,500 रुपये में। नॉर्मल भी इसकी यही प्राइस रहती है 8,500 में, ये फ़ोन अभी लेने लायक नहीं है, इसको स्किप कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। दूसरा जो फ़ोन है काफ़ी बजट वाला फ़ोन है और मेरा भी फेवरेट डिवाइस है, Realme C11 मात्र मिल रहा है आपको, यहाँ पर लिख रहा है 7,499 रुपये। इस आपको सेल में 7,500 में भी मिल रहा था आपको, तो 7,000 में ये किलर डील है, 7,000 में इसको आप ले सकते हैं। और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने किया है, अगर नहीं देखा वीडियो तो आई बटन में लिंक दे रहे हैं, जाके वहाँ से आप देख लीजिए। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत और पावरफुल वाला ये फ़ोन आपको बजट में मिलता है। उसके बाद जो फ़ोन है वो है Realme Narzo 20 Pro, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और इस पर आपको 1,000 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट मिला है, कोई कार्ड वार्ड का झमेला नहीं, तो काफ़ी अच्छी डील है, इसको आप ले सकते हैं। 65 वाट का अगर आपको सुपर डार्ट चार्जर अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, G95 वाला प्रोसेसर चाहिए तो ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छा सा ये फ़ोन है, तो बिल्कुल मस्त है, और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में मिलता है, गेमिंग फ़ोन है तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आपका बजट 14,000 है तो आप इसे आराम से ले सकते हैं, काफ़ी बेस्ट डील है। उसके बाद जो फ़ोन है वो है Realme 7 है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला डिवाइस है और काफ़ी पॉपुलर फोन है, मैंने भी इसकी अनबॉक्सिंग किया और वो भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, जाके वहाँ से आप देख ले, काफ़ी ज़बरदस्त फोन है, और इसका मतलब प्राइस वही है, सेम है, कोई इसमें कम बेस नहीं है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें मेरी खास रिकमेंडेशन नहीं है, यही सेम प्राइस में मिलती है। तो इसमें और नार्जो 20 प्रो में यही फ़र्क है कि इसमें आपको सोनी का 64 MP का सोनी IMX686 वाला प्रोसेसर कैमरा मिलता है, कैमरा सेंसर, जबकि उसमें आपको मिलता है सिर्फ ओनली 48 MP वाला कैमरा, तो बस ये डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। दूसरा फ़ोन है जो है वो है Realme 7 Pro है, और ये जो फ़ोन है वो आपको मिलता है मात्र 20,000 में, और 20,000 में अगर आप कुछ तो वो ये है 720G प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिलता है क्वालकॉम का, 7,065 आपका को सुपर डार्ट चार्जर मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, तो बिल्कुल ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी वाला एक यही फ़ोन है, 20,000 अगर आपका बजट है तब। उसके बाद आपका दूसरा फ़ोन यहाँ पे Realme X3 है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अगर आपको परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए एडिटिंग के लिए चाहिए कोई फ़ोन तो आप आराम से इसको ले सकते हैं, Realme X3 काफ़ी ज़बरदस्त ये फ़ोन है, आपको मात्र मिल रहा है 22,000 में, इस सेल के अंदर में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। उसके बाद एक फ़ोन और है Realme का तरफ से, Realme Narzo 20, तो इस फोन में सब फोन, इसकी भी मैंने अनबॉक्सिंग किया और वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ये फोन बिल्कुल सब सही है और जिस प्राइस रेंज में ये आ रहा है तो उसमें आपको सिर्फ अब के रेट में ये ठीक नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक कमी है, वो यहाँ पर HD डिस्प्ले मिलता है, बाकी इसका कैमरा, इसका बैटरी, इसका डिज़ाइन, इसका लुक, इसकी जो डिस्प्ले वो सब बिल्कुल मस्त है, काफ़ी अच्छा है, सिर्फ आपको इसमें डिस्प्ले के अंदर में HD मिलता है, Full HD+ इसमें डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ एक कमी है। दूसरा फोन है Realme 20A है,
तो ये फ़ोन अभी के रेट में मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब कि आप ले सकते हैं नॉर्मल गेमिंग खेलना है तो ले सकते हैं 8,500 में ठीक ठाक है, वरना आप वेट कीजिए, आप पैसा कुछ लगा के 10,000 में बिल्कुल गेमिंग फ़ोन आप ले सकते हैं। पोको का M2 भी 10,000 में मिल रहा है और उसकी प्राइस भी कम हो चुकी है, बाकी और भी फ़ोन है 10,000 में आप ले सकते हैं। फिलहाल अभी इसको नॉर्मल गेमिंग सा फ़ोन था, इसको आप ले सकते हैं। 685 वाला प्रोसेसर देखने को इसमें मिलता है और ट्रिपल कैमरा है, 5,000 mAh की बड़ी सी बैटरी इसमें देखने को मिलती है। फिलहाल अगर आपको लेने का मन तो आप ले सकते हैं, चलने लायक ठीक ठाक सा फ़ोन है। बाकी दूसरा यहाँ पे है Realme X3 सुपर जूम है, और जिसमें आपको 885 वाला आपको मिलता है, यहाँ पर 855 वाला प्रोसेसर मिलता है आपको, सॉरी क्वालकॉम का, और इसी आपका यहाँ पे 60x जूम है। फिलहाल इसको स्किप कीजिए, आप रियल मी X3 ले लीजिएगा, वो ठीक है। इसमें फिलहाल 2,000 पैसा आपको एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको आता है Realme X50 Pro 5G फ़ोन है, जो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर के साथ में आता है, 64 MP क्वाड कैमरा के साथ में आता है, जिसकी प्राइस है वो इसमें सिर्फ 32,000 मिले। तो ये बिल्कुल बेस्ट डील है और काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो इस प्राइस रेंज में मिल रहा है। अगर आपको चाहिए क्वालकॉम का 865 वाला काफ़ी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन और अच्छी से डिस्प्ले, अच्छी से क्वालिटी वाला डिज़ाइन का फ़ोन चाहिए, तो आप इसे आराम से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मस्त फ़ोन। उसके बाद जो आता है यहाँ फोन है Realme C15 है, 6,000 mAh बैटरी है और 9,999 मिलता है। आपका एक MediaTek एडिशन है, एक क्वालकॉम एडिशन, दोनों में से कोई भी मत लीजिए, क्योंकि आप 10,000 में कोई गेमिंग फ़ोन नहीं लेके आप ये G35 वाला प्रोसेसर लीजिएगा। ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है कि G35 आप लीजिए या 460 लीजिएगा, ये फ़ोन बिल्कुल गेमिंग लाइक नहीं है। तो फिलहाल आप इसको स्किप कीजिए, इसको भी फिलहाल आप मत लीजिए। उसके बाद दूसरा जो फ़ोन है वो है Realme C3 मिल रहा है मात्र 9,000 में, तो बिल्कुल दोस्त आप ऐसा गलती ना कीजिए। ये फ़ोन काफ़ी पुराना हो गया, जिस टाइम ये 7,000 में आया था वो काफ़ी मस्त था, 8 तक में भी ठीक था, और ये फ़ोन का दाम अब जो 9,000 हो गया, तो ये फ़ोन उस प्राइस रेंज में लेने लायक नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, 1,000 रुपये मिला के आप पोको M2 ले लीजिए, वो ठीक है, या Redmi 9 Prime ले लीजिए, वो बिल्कुल मस्त है, इसको आप स्किप कर दीजिए। उसके बाद जो फ़ोन है Realme 7i है, वो मिल रहा है मात्र आपको 12,000 रुपये में, और 64 MP मिलता है, 90 Hz रिफ्रेश रेट मिलती है। मगर इस फ़ोन की सब चीज़ सही है, मगर इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ कमी है, वह इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलता है। इसकी भी अनबॉक्सिंग मैं करने वाला था, फिलहाल इसकी एक कमी थी, इसके कारण मैं इसकी अनबॉक्सिंग नहीं किया। अगर आप डिमांड करो तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग बनाकर आपको दे दूंगा। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, एक और लास्ट फोन है, सबसे लास्ट ऑफर है Realme X, जो मिला 18,000 में, काफ़ी पुराना सा फोन हो गया है, और 8128 GB वेरियंट मिल रहा है, जिसमें आपको 48+5 MP का रियर कैमरा मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 वाला प्रोसेसर मिलता है। तो काफ़ी पुराना सा फोन है, जो अभी बिल्कुल भी 18,000 में लेने लायक नहीं है। आप 18,000 रुपये पैसा नहीं वेस्ट कीजिए, आप 15,000 में आप Realme 7 ले सकते हैं, या 20,000 में आपको ले सकते हैं पैसा और मिलाकर Realme आपसे 7 Pro काफ़ी बेस्ट है, मगर आपको Realme X काफ़ी पुराना है, इसको आप बिल्कुल भूल के से नहीं ले। तो जी हाँ दोस्तों, बस यही था वीडियो, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बावजूद भी कोई तरह का सवाल या आपका सुझाव है तो वो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, जितनी भी मैं वीडियो में बताया हूँ डील, वो सब काम की जो डील थी वो मैं बता दिया हूँ। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई तरह का सवाल है वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इसी तरह की बेहतरीन वीडियोज़ के लिए दोस्तों। और मुझसे पर्सनल बात करेंगे, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हम अवेलेबल हैं दोस्तों, वहाँ पे आइए, सभी जगह सेम आईडी, लेटेस्ट जानकारी, तो आइए और हमसे बात कीजिए बिंदास। और दोस्तों बस दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।